हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, आमतौर पर जहां लोगों को 400-500 रुपए किलो मिलने वाले फल ही महंगे लगने लगते हैं, वहीं जरा सोचिए कि अगर कोई फल लाखों रुपए किलो या 10-20 लाख रुपए जोड़ा मिले तो आप क्या करेंगे। जी हाँ, दुनिया में ऐसे कई फल हैं जिनकी कीमत सुनकर ही होश उड़ जाते हैं, उन्हें खरीदना तो दूर की बात है। आज हम आपको दुनिया के ऐसे ही कुछ महंगे फलों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें खरीदने के बारे में कोई आम आदमी तो सपने में भी नहीं सोच सकता। क्या आपने कभी चौकोर तरबूज देखा है? जी हाँ, दुनिया में सिर्फ गोल ही नहीं बल्कि चौकोर तरबूज भी होते हैं। इनकी खेती जापान में की जाती है। ऐसे एक चौकोर तरबूज की कीमत करीब 60,000 रुपए होती है, जिसका वजन 5 किलो के आसपास होता है। दरअसल ये तरबूज चौकोर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि इन्हें एक चौकोर डिब्बे के अंदर उगाया जाता है। पीले रंग का दिखने वाला यह अनानास दुनिया के सबसे महंगे फलों में से एक है। इसे इंग्लैंड के लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन में उगाया जाता है, इसी वजह से इसे लॉस्ट गार्डन्स ऑफ हेलिगन पाइन एप्पल के नाम से जाना जाता है। इसे तैयार होने में करीब 2 साल का समय लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज एक अनानास की कीमत करीब 1 लाख रुपए है। ये है रूबी रोमन अंगूर। इस अंगूर को जापान में उगाया जाता है। इस अंगूर के एक गुच्छे की कीमत 2,66,000 रुपए है। इस गुच्छे में मात्र 30 अंगूर होते हैं। ताइयो नो तमागो आम की एक ऐसी किस्म है जिसे दुनिया का सबसे महंगा आम कहा जाता है। इसे जापान के मियाजाकी प्रांत में उगाया जाता है और उसके बाद पूरे देश में इसे बेचा जाता है। इस आम की 1 किलो की कीमत 3 लाख रुपए से भी ज्यादा है। रूबरी खरबूजा जो दुनिया के सबसे महंगे फलों में शुमार है, यह जापान में उगाया जाता है और वहीं पर बिकता भी है क्योंकि जापान से बाहर इसका निर्यात बहुत कम ही होता है। इस खरबूजों को सूरज की रोशनी से दूर ग्रीन हाउस में उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रूबरी खरबूजे की एक जोड़ी की कीमत करीब 20 लाख रुपए है, यानी 10 लाख रुपए का एक खरबूजा। जापान दुनिया में टेक्नोलॉजी के ही मामले में आगे नहीं है बल्कि सबसे महंगे फल उगाने के मामले में जापान बाकी देशों से कहीं आगे है। आपका पसंदीदा फल कौन सा है और आपको यह जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।